खबर बल्ले जनपद से, जहां रचना कस्बा के बजाजी मोहल्ला में जिलाध्यक्ष श्याम कृष्ण गोयल के आवास पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष श्याम कृष्ण गोयल ने बताया कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। रचना बाजार के सभी दुकानदारों को परिचय पत्र व सदस्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। श्याम कृष्ण गोयल ने बताया कि व्यापार मंडल का प्रांतीय सदस्यता अभियान नवंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। दिसंबर माह में प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा। जनवरी माह में अयोध्या में प्रदेश भर के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। कस्बा के पटरी दुकानदार और ठेले वालों को बिना गारंटी 10,000 रुपए का लोन उपलब्ध कराने हेतु व्यापार मंडल व्यापक अभियान चलाएगा। जिला महामंत्री शमशाद अंसारी ने बताया कि अब प्रत्येक माह व्यापारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। व्यापारी छात्र मरीजों के लिए वाराणसी, लखनऊ, कोलकाता जाने के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, पूर्वांचल उत्सर्ग एक्सप्रेस सहित पैसेंजर ट्रेनों को तुरंत चालू किया जाए। नवीन कृषि मंडी में डाकघर भवन होने के बावजूद भी वहां पर बैंक का न होना व्यापारियों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि व्यापारियों को लेन देन में काफी परेशानी हो रही है। वहीं व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी ने कहा कि हम व्यापारियों की हर लड़ाई हम लोग अपने दम पर लड़ेंगे और व्यापारियों की हर समस्या का तुरंत निस्तारण करेंगे। इस मौके पर नसीम अहमद, इकबाल अंसारी, डॉक्टर रामबाबू सोनी, डॉक्टर विवेकानंद सहित आदि लोग मौजूद रहे। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। के लिए कि आज को बैठक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। देखिए, कोई भी व्यापारिक संगठन व्यापारिक समस्याओं के समाधान के लिए बनाई जाती है। रचना नगर की कई समस्याएं हैं, जिसमें इस समय मुख्य समस्या जो है प्यारेलाल चौराहे पर, जो प्यारेलाल चौराहा का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है, उसको पुनः बहाल करना ये हमारी प्राथमिकता में है। और जो इस समय सारी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो इंटरसिटी ट्रेन है, उत्सर्ग ट्रेन है और पूर्वांचल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो बंद पड़ी हैं, हमारी सरकार से मांग है कि शीघ्र इसको चालू किया जाए। और यहाँ एक नवीन कृषि मंडी है जो काफ़ी अच्छे व्यापक पैमाने पर यहाँ लेन देन होता है, और यहाँ पर एक बैंक भवन और डाकघर का भवन बना हुआ है, लेकिन आज तक उसमें कोई बैंक नहीं आया और कोई डाकघर नहीं आया, जिससे वहाँ के व्यापारियों को काफ़ी असुविधा हो रही है। रसड़ा बाजार में अतिक्रमण की समस्या गंभीर होती जा रही है, इससे व्यापारियों को काफ़ी कठिनाइयां हो रही हैं। और हमारी प्रशासन से, नगरपालिका से मांग है कि जो है ये अतिक्रमण की समस्या को दूर किया जाए। मेरी जो व्यापारियों से बात होती है तो वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम मजबूर हैं, अगर हम न बढ़ाएं आगे, एक बढ़ा देता है। मेरा ख्याल है कि 95% व्यापारी कानून का पालन करने वाले हैं, 5% ही ऐसे व्यापारी हैं जो थोड़ा कानून का पालन नहीं करते हैं, कानून का सम्मान नहीं करते हैं, उसकी वजह से 95% व्यापारी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस अभी कुछ दिन पहले उप जिलाधिकारी रसड़ा द्वारा रसड़ा व्यापारियों के लिए बनी नवीन कृषि मंडी के अंदर धान खरीद केंद्र बनाया जा रहा है, जिसमें व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ने जा रहा है। और इसमें कुछ ऐसे सब्जी विक्रेता व्यापारी परेशान भी हैं कि हमारी जगह ली जा रही है। इसके लिए आप उप जिलाधिकारी से मिलकर व्यापारियों के लिए, सब्जी विक्रेताओं के लिए क्या करने जा रहे हैं? जी, हमारे सामने अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है जिसमें व्यापारियों को कठिनाइयां होती हैं, तो मेरा खुली अपील है सारे व्यापारियों से कि वो समस्याओं से हमें अवगत कराएं, हम उस पर कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। अभी आज ही जो है स्टेट बैंक का मामला हमारे सामने आया है, जहां पर जो है बैंक ड्राफ्ट नहीं बनाया जा रहा है। और जब मैं ब्रांच मैनेजर से मिला तो उन्होंने कहा कि जो है ये खराब है ड्राफ्ट बनाने वाली मशीन। हमने कहा ये पिछले 10 दिनों से खराब है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ड्राफ्ट कमीशन क्या लगता है ये प्रदर्शित होना चाहिए, RTGS क्या लगता है ये प्रदर्शित होना चाहिए, या नहीं था। मैंने इसके बारे में लीड बैंक के मैनेजर बलिया से बात किया और रीजनल मैनेजर वाराणसी से आज ही मैंने बात किया। उन्होंने कहा नहीं, आपका एक आपने फीडबैक अच्छा दिया हुआ है और मैं ब्रांच मैनेजर से कहता हूँ कि इसका प्रदर्शन किया जाए कि ड्राफ्ट कमीशन क्या है
और मशीन खराब होने की बात तो ये मेरे समझ से बाहर है कि 10 दिनों से मशीन कैसे खराब है। ये तो तुरंत आकर के अगर मशीन का कंप्लेन किया जाए तो ठीक होता है, तो हम उसके तत्परता से खड़े हैं। अपना थोड़ा परिचय बता। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल नगर अध्यक्ष रसड़ इकबाल अंसारी। आज यहाँ पे कैसे बैठक किया गया? आज पत्रकारों के सम्मान में कलम की, जो पत्रकारों की कलम की ताकत है सच्चाई को लिखने के लिए, व्यापारी समाज एक समरसता एक संगठन है जिसके लिए आज पत्रकार लोगों को सम्मानित किया गया, बुलाया गया और उनसे उम्मीद सिस्टम की वो जो है व्यापारियों के संगठन की लड़ाई में साथ रहें और सच लिखने की ताकत अगर किसी में है तो वो पत्रकार बंधुओं में है, उनके ताकत को उनके कलम की ताकत को सलाम करता हूं। और साथ ही आप लोगों के हौसले और व्यापारियों के संगठनात्मक व्यवस्था के लिए एक आपको शेर के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। थक गया हूं बैठा नहीं हूं मैं, थक गया हूं मगर बैठा नहीं हूं मैं, उड़ान अभी बाकी है, खत्म हो गई है जमी मेरी आसमान अभी बाकी है, खत्म हो गई है जमी मेरी आसमान अभी बाकी है। हम लोगों ने व्यापारियों की लड़ाई जो है इस तरह से लड़ा कि गोली कांड से लेकर के और हर एक लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और लड़ करके इंसाफ दिलाने का काम किया। आज कुछ लोग जो है पद प्रतिष्ठा से हटाने के लिए पश्चयंत्र रच रहे हैं, जुमा जुमा दिन हुआ राजनीति को, कहते हैं कि हमको नेता में सम्मिलित नहीं होना है और अपने आप को नेता ही बना लेते हैं, नेता भी बना लेते हैं। सिस्टम एक ऐसा है कि व्यापारियों की भला करना और सड़क की लड़ाई जो है अधिकारियों से जाकर के लड़ना, ये एक नेतृत्व की ही सिस्टम में होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।